शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है, ठीक है? और ऐसे नंबर्स फिल करने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए, वही आपको फिल करना है। तो चलिए करते हैं। 369 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू 369। ओके, कैसे सॉल्व होगा? 369 को डिवाइड बाय बोल रहा है, किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमको फिर से 369 ही मिले। तो बताइए 369 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 369 मिले? 1 से डिवाइड करूं, है ना? मैंने आपको बताया है कि चाहे आप 3 लिखो या फिर 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखो, बात वही है। उसी तरीके से 369 डिवाइड बाय 1 अगर मैं करूंगी तो मुझे 369 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1। नाउ -75 को किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि मुझे -1 मिले? -75 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे -1 मिले? अब मुझे 1 चाहिए, इसका मतलब इसी नंबर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 75 को अगर मैं 75 से डिवाइड करूं तो 75 1 जा 75 75 1 जा 75, और आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ एक माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जैसे हम 3 by 3 करते हैं तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 5 by 5 करते हैं तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, आंसर क्या आ जाता है? 1। उसी तरीके से 75 1 जा 75 75 1 जा 75, और यहाँ माइनस का 1 आएगा तो दिस इज -1। इसका मतलब मैंने किससे डिवाइड किया? मैंने किया 75 से। नाउ थर्ड वन, -206 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे 1 मिले? आपकी इस बार -1 चाहिए था, इस बार प्लस का 1 चाहिए, इसका मतलब ये माइनस को हटाना है और यहाँ पे 1 लाने के लिए तो इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, और ये माइनस हटाने के लिए यहाँ पे हम माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड 206 1 जा 206 206 1 जा 206, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब मैंने किससे डिवाइड किया? -206 से। ओके, नाउ डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? -87 डिवाइड बाय -87 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे 87 मिले? सो आप बताइए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका मतलब एक माइनस से यहाँ डिवाइड हुआ होगा तभी माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और यहाँ किस नंबर से डिवाइड करूं? 1 से, तभी तो 87 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तभी तो 87 आएगा। जैसे आप 3 को 1 से डिवाइड करते हो तभी 3 आता है, 4 को 1 से डिवाइड करते हो तो 1 4 जा 4 4 आता है ना। देखिए 4 को आप 1 से ऐसे ही डिवाइड करते हो ना, 1 4 जा 4, आंसर 4 आता है। उसी तरीके से अगर आप 87 को 1 से डिवाइड करोगे तो 87 आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस बन जाएगा। सो हमने किस नंबर से डिवाइड किया? -1 से। ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में क्या है? यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नंबर आपको लिखना है, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू -87। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि जिसको मैं 1 से अगर डिवाइड करूं तो मुझे माइनस का 87 आए? इसका मतलब ये नंबर खुद होगा, है ना? -87 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तभी -87 आएगा। सो ये तो सिंपल था, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? माइनस का 87। नाउ एफ पार्ट, कोई नंबर है उस, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कुछ है और फिर आप उसको जब 48 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है -1, ऐसा कौन सा नंबर होगा? सबसे पहले यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक माइनस होगा, देन यहाँ पे क्या होगा? 48, तभी तो 48 1 जा 48 48 1 जा 48 होके 1 आएगा, 48 48 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आएगा और यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमारा वो नंबर कौन सा है? हमारा नंबर है माइनस का 48। नाउ जी पार्ट सॉल्व करते हैं।
जी पार्ट में क्या है 20 डिवाइड बाय 20 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि मुझे आंसर आ जाए -2। तो आप बताइए 20 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, 10 से डिवाइड करूं ना, तभी तो 10 टू जा 20 आएगा, 10 टू जा 20 आएगा, और यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ तो 20 में तो माइनस लिखा नहीं था, इसका मतलब ये जो माइनस आया है इस नंबर की वजह से आया है, तो यहाँ पे एक माइनस लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। तो मैंने किससे डिवाइड किया, -10 से, यहाँ लिख लीजिए -10। नाउ एच पार्ट सॉल्व करते हैं। एच पार्ट में क्या है, न्यूमरेटर में आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ये ब्लैंक डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूं तो मुझे -3 मिलना चाहिए। यहां पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं बताइए। सो 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 की टेबल पढ़िए कितनी बार, 3 बार, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तभी तो 4 3 जा 4 3 जा, देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आपको 3 मिल गया। और साइन क्या, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए, तभी नेगेटिव होगा। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गया -3, दिस इज योर आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा -12। इसको सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड है, अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है 369 डिवाइड बाय व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू 369, तो आप क्या करिए, इस नंबर को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा 369 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 369। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड बाय 1 कर सकते हो, ठीक है। आपने ट्रांसपोज पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर होता है वो राइट हैंड साइड में जाता है, तो क्या होता है, सो अगर कोई नंबर इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव होता है तो इक्वल टू के उस साइड जाता है नेगेटिव हो जाता है, कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में होता है तो वो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरीके से कोई नंबर अगर डिवीजन में होता है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। उसी तरीके से अगर यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में चला जाता है। हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो आप क्या करिए, इसको या तो पलट ही दीजिए, ये क्या करिए, इसको आप लिख लीजिए x अपॉन 369 इज इक्वल्स टू, ये भी पलट जाएगा, जब ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, 1 अपॉन 369 आ गया। अब ये x के डिवाइड में है, मैंने बताया अगर डिवाइड में कोई चीज होती है सो अगर वो राइट हैंड साइड में भेजोगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। So, मैं इसको यहां से हटा के इधर भेज देती हूँ, तो ये तो 1 अपॉन 369 यहाँ पे था ही, और ये जो 369 है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकती हूँ। अब देखिए 369 1 जा 369, 369 1 जा 369, आंसर एक्स का क्या आ गया, 1। यही हमने फाइंड आउट किया था। एक और क्वेश्चन इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, मैं ये वाला करूंगी 20 डिवाइड बाय व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू -2। ओके, सो मैं इसको क्या मान लूं, मैं इसको x मान लूं। अब यहां मैं लिखूंगी 20 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 1 लिख सकती हूं ना, -2 डिवाइड बाय 1 लिख सकती हूं -2 को। अब इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन -2। आप चाहे माइनस को नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं ऊपर ही लिख रही हूं। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 जो यहाँ डिवाइड हुए है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 था, इसको लिख लीजिए और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के क्या आ जाएगा, ऊपर 20, और इसको डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब 2 की टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, सो यहाँ बचा -1, यहाँ है 10, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 10 1 जा 10, एंड साइन क्या लगेगा, निगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस,
और डिनोमिनेटर में 1 into 1 दैट इज 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखिए 1 1 जा 1 आएगा, डिवाइड बाई 1 आएगा, लेकिन डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। होप स्टूडेंट्स आप इस मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जहां भी ब्लैंक है वहां पे आप x मान लीजिए, x मान के सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।